खबर पहाड़ों से है जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड में फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो एसडीआरएफ को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि स्थिति कभी भी विपरीत हो सकती है। तो पिछले 36 घंटों से बारिश और बर्फबारी लगातार पहाड़ी इलाकों में और ऐसे में खतरा हो सकता है और इसी खतरे को देखते हुए फिलहाल रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है और इसके साथ ही एसडीआरएफ को भी तैनात रहने को कहा गया है। जहां एक तरफ इस बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक उठाते हुए दिख रहे हैं और लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहीं अब 36 घंटे से जिस तरह की लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करने वाली है और ऐसे में हालात बेकाबू हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं और इसी से निपटने के लिए फिलहाल एसडीआरएफ को तैयार रहने को निर्देश यहां पर दिया गया है। तो रेड अलर्ट उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाकों में जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो उसी को देखते हुए फिलहाल एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है और ऐसे में सतर्क रहने को कहा गया है हर किसी को। पहाड़ों में इस भारी बर्फबारी और लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से गांव जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुके हैं और ऐसे में आगे स्थिति और भी यहां पर ऐसी की ऐसी रहने वाली है, जस की तस रहने वाली है। तो ऐसे में अब जो हालात हैं उस पर काबू पाने के लिए निर्देश यहां पर, और सौरभ भाटिया हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है 36 घंटे जहां बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है, और क्या कुछ निर्देश यहां पर दिए गए हैं खासकर उत्तराखंड को लेकर, ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर? देखिए, एसडीआरएफ की तरफ से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे ये देखा गया है कि तमाम सड़कें हैं वो बंद है। चमोली, उत्तरकाशी और जो दूरस्थ जो इलाके हैं वहाँ की सड़कें जो है घंटों घंटों बंद है, जिससे जो है लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एसडीआरएफ बिल्कुल जो है तत्परता से काम करें, जिससे जो है किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई अप्रिय घटना घटी तो उससे पहले ही जो है तुरंत उनको राहत मिल सके, इस तरीके से आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। सौरभ, जब इस तरह की स्थिति बनती है तो पर्यटकों को भी यहाँ पर दिया जाता है निर्देश कि वो पहाड़ों का रुख ज्यादा ना करें, और जैसा कि 36 घंटे से बारिश चल रही है और आने वाले वक्त में भी कहा जा रहा है कि राहत नहीं है, तो क्या पर्यटकों के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वो फिलहाल उत्तराखंड के रुख और ना करें? देखिए, पर्यटकों के लिए अभी ऐसा कोई जो है आदेश नहीं किया गया, कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है जिससे ये कहा जा सके कि पर्यटक उत्तराखंड की तरफ ना आए, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं तो लोग जो है पहाड़ों की रानी मसूरी, नैनीताल और यहां तक कि जो है चोपता की तरफ जो है जाते हैं लोग, क्योंकि जो है बर्फबारी देखने का लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। दूर दूर से पर्यटक जो है उत्तराखंड की तरफ अभी भी आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये जरूर कहा गया है आने वाले 48 घंटे जो है वो खासे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो ही रही है, इसके साथ ही जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में पर्यटकों को खुद भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार जब इस तरीके से बारिश हो रही है, सड़कें ब्लॉक हैं, लोगों को जो है घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, तो खुद भी जो है लोगों की जो है कमी जरूर आई है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।